हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आपका हम स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो बच्चों, पिछली क्लास में जो स्टोरी था आप लोगों ने सुना होगा, समझा होगा, और मेंडल के उस जीवन कथा के बारे में सुनने के बाद आपके अंदर एक अलग लेवल का एक एनर्जी जनरेट हुआ होगा कि एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसके मरने के 18-20 साल बाद उसको एक महान व्यक्ति या महान साइंटिस्ट का दर्जा मिलता है। यानी पिछली क्लास में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, पढ़ने को तो मिला ही लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ मिला। हम कई बार वहां पर यह भी डिस्कस कर रहे थे कि जो है मेंडल जो वैज्ञानिक थे, यानी कि बाद में वैज्ञानिक का दर्जा मिला, पहले तो वो वैज्ञानिक थे नहीं, है ना। उनकी पूरी कहानी आप लोगों ने समझा होगा अच्छे ढंग से। जो स्टूडेंट नए हैं वो पहले उस वीडियो को देख ले, और हम तो कह रहे हैं कि पहले वीडियो को ही देखें, पहले दूसरे फिर तीसरे फिर अब इस वीडियो पर कंटिन्यू करें, तभी आपको पूरी तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। और हमने ये भी बताया था कि मेंडल से पहले भी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जो आनुवंशिकी पर कार्य कर रहे थे, और बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम भी किया, अलग अलग उन्होंने थ्योरी भी दी, लेकिन सारी थ्योरी को गलत कर दिया गया जब मेंडल की इस मतलब जब रीडिस्कवरी हुआ उनका, यानी कि जो खोज था उनका पुनर्खोज हुआ, तब सारी जो खोज थी सारे खोजों को फिर से क्या कर दिया गया, यानी जो दूसरे साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी उसको गलत साबित कर दिया गया, मेंडल के खोज को लाया गया और जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में, साथ में आपके कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन के रूप में पूछ देता है, और खास करके बोर्ड में आज की जो क्लास है वो मैक्सिमम बोर्ड पर बेस्ड है, क्योंकि मैक्सिमम जो है अधिकतर जो है क्वेश्चन यहां से बोर्ड में आ जाते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि मेंडल द्वारा जो है जो पौधे का चुनाव किया गया था, आपको पता है मटर के पौधे का चुनाव किया गया था, ठीक है। तो मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव तथा उनकी सफलता का कारण, ये कई बार आपके बोर्ड में पूछा गया है, तो आगे जब पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूजन न रहे, इसलिए हम क्लेरिफाई कर दें सारे के सारे हेडिंग को, और आपको बोर्ड एग्जाम में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम उस हेडिंग को लिख लेते हैं और एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं कि क्या कारण था कि मेंडल सफल हो गए, अन्य जो साइंटिस्ट थे वो सफल नहीं हुए थे। चलिए, तो पहले हम हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग हमारी कौन सी है? मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव तथा उनकी सफलता का कारण। आप सभी लोग अपने नोट कॉपी में ये हेडिंग बना लीजिए, और उसके बाद एक पॉइंट हम आपको समझाएंगे। हेडिंग क्या है हमारी? मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव तथा उनकी सफलता का कारण। तो बच्चों, सबसे पहले ही हम अगर बता दें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पर ही मेंडल के सफलता का जो सबसे बड़ा कारण था वो मटर का पौधा ही था, है ना। उन्होंने कह सकते हैं कि भगवान द्वारा, गॉड द्वारा, उनके द्वारा ये इन्वेंशन कराना था, इसलिए अन्य साइंटिस्ट भी चुनते थे, लेकिन मटर के पौधे का चुनाव जो है मेंडल ने किया, और सबसे बड़ा उनके सफल होने का कारण भी यही था। तो पहला ही पॉइंट यहां पर हम लिखेंगे क्या, सफल होने का सबसे बड़ा कारण मटर का पौधा है, ठीक है। सफल होने का सबसे बड़ा कारण ही मटर का पौधा है। चलिए, आप हमको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स बताएंगे कि जिस मटर का उन्होंने प्रयोग किया था, मतलब जिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उस मटर का नाम क्या है और उसका साइंटिफिक नाम क्या है। यानी दोनों नाम आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जरूर बताएंगे, ठीक है। हम कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं सबका, ठीक है स्टूडेंट।
तो पहला ही पॉइंट हमने क्या लिखा, सफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या था, मटर के पौधे का चुनाव ही था। ठीक है, मटर का पौधा ही उन्होंने चुना था, इसलिए उनका सबसे बड़ा कारण सफल होने का ये भी रहा। इसमें मटर के पौधे में क्यों ऐसा था, मटर के पौधे में क्या ऐसा था जिसके कारण से मेंडल सफल हो गए, तो इसके कई कारण है, हम एक एक करके डिस्कस कर देते हैं। जैसे दूसरा जो था, मटर का पौधा एक वर्षीय था, मटर का पौधा एक वर्षीय था, मतलब एक सीजन में इसको उगाया जा सकता था आसानी से। ठीक है, एक वर्षीय था और इसको आसानी से उगाया जा सकता था। ठीक है, बटर का जो पौधा था वो एक वर्षीय था और इसको आसानी से क्या किया जा सकता था, उगाया जा सकता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, मटर के पौधे में एक से अधिक लक्षण मिले तथा उसका वैकल्पिक रूप भी मिला। ठीक है, मतलब मटर के पौधे में जब एक्सपेरिमेंट करने लगे तो उनमें उनको बहुत सारे लक्षण भी मिले, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर मिले उनमें और उनका वैकल्पिक रूप भी मिला। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि मटर के पौधे पर उन्होंने कितने लक्षण पर एक्सपेरिमेंट किया है और कितने उसके वैकल्पिक रूप है। तो हम यहां पर बता दें आपको कि मटर के पौधे जो पौधा था वो एक वर्षीय था और उसका आसानी से उपयोग उसको आसानी से क्या किया जा सकता था, उगाया जा सकता था। तीसरा पॉइंट है कि जो मटर का पौधा है वह पौधा, मतलब उस पौधे में विभिन्न प्रकार के लक्षण थे। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं, मटर के पौधे तथा पौधे में विभिन्न लक्षण थे तथा उनका वैकल्पिक लक्षण भी उपलब्ध था। यानी मटर का पौधा, पौधे के विभिन्न लक्षण भी थे और उनका वैकल्पिक लक्षण भी मौजूद था। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक बता दें, जैसे मैं लंबे मटर के पौधे का एक बौना भी मटर का पौधा होता है तो उसका वैकल्पिक रूप हो गया वो। आगे धीरे धीरे जब हम समझाएंगे ना, एक एक पॉइंट सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एकदम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने यह भी देखा होगा, एक मटर का पौधा होता है लंबा होता है, लंबी मटर, एक होता है बौनी मटर, है ना। आपको अगर नहीं पता तो घर पे जरूर पूछ लीजिएगा, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। और उसके बाद बहुत सारे, यानी कि सात कैरेक्टर पर, यानी सात लक्षणों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके जो है सात विपर्यासी लक्षण भी थे। हम आगे उसको बताएंगे, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, अभी हम चार्ट के थ्रू उसको बता देंगे, चिंता मत करिए आप लोग। तो ये तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट आप लोगों को नोट करना है क्या, यानी कि जो मटर का पौधा था, मटर में स्वपरागण होता है और इसमें पर परागण भी हो सकता है। ठीक है, यानी मटर में स्व परागण होता है, मतलब उसका आपको पता है ना, दूसरे चैप्टर में पढ़ाया है स्व परागण पर परागण क्या होता है। स्व परागण मतलब कि ये द्वि, मतलब मटर में द्विलिंगी पुष्प होता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, द्विलिंगी पुष्प होता है मटर में। ठीक है, यानी कि मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर में होता है, द्विलिंगी उसको कहते हैं। ठीक है, तो द्विलिंगी होता है और मटर के पुष्प के खुलने से पहले ही, मटर का पुष्प बंद रहता है, उसके खुलने से पहले ही मटर का जो जो परागण होता है, यानी परागकण होता है, उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। तो वो तो स्व परागण हुआ, नेचुरली हो गया। लेकिन अगर किसी दूसरे पौधे से निकालकर परागकण हम
दूसरे पौधे से निकालकर परागकण हम खुद या फिर कोई भी व्यक्ति अगर उसके वर्टिकागर पर डाल देगा तो वो किस प्रकार का परागण होगा? पर परागण हो जाएगा और एक प्रकार का कृत्रिम पर परागण होगा क्योंकि ये मानव निर्मित हो रहा है। याद है आपको बैगिंग वाली क्रिया? बैगिंग वाली क्रिया याद है? अगर नहीं याद है तो आप वीडियो जरूर जाकर देख लीजिए। अगर याद होगा तो आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा क्या कि पहले क्या क्या गया, उसमें फ्लावर के मेल वाले भाग को काटकर अलग कर दिया गया और दूसरी जगह से मेल वाला परागकण लाया गया, इसके पास रख दिया गया। हम दूसरे वाले चैप्टर में इसको पढ़ाए हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है अभी हम एक फिगर के थ्रू समझा देंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यानी मटर में स्व परागण भी होता है और इसमें पर परागण भी होता है। तो ये चार सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट कारण थे जिसके द्वारा मेंडल जो है वो सफल हो गए, है ना। हालांकि और भी है क्योंकि जब इसका हाइब्रिड उगाया जाता है यानी जब इसमें पर परागण कराया जाता है तो जो हाइब्रिड बनता है वो आसानी से उग भी सकता है, आसानी से उनमें नए लक्षण भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम ये सभी कारण थे जो मेंडल को सफल बनाने का कार्य किए, है ना। तो आप लोग ये चार पॉइंट बहुत जरूरी है याद रखना है और आपके बोर्ड एग्जाम में जो डायरेक्टली आता है क्वेश्चन लगभग 3 नंबर का वो एकदम आसानी से इस चार लाइन को लेकर आप आ सकते हैं। हेडिंग आपको पता है मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव तथा उनकी सफलता का कारण। तो उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण जो था बच्चों वो था उनके द्वारा मटर के पौधे का चुनाव, यानी मटर के पौधे के चुनाव के कारण ही वो सफल हो गए। हालांकि मेंडल से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया लेकिन वो अलग अलग लक्षणों पर कार्य करते थे। एक और पॉइंट है, पांचवा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। पांचवा पॉइंट ये है मेंडल एक बार में एक ही लक्षण पर प्रयोग किए, ठीक। तो बच्चों ये सबसे मतलब ये पांचों पॉइंट भी ऐड कर लीजिएगा अपने नोट कॉपी में और इसको भी याद कर लीजिएगा। मेंडल एक बार में ही एक ही लक्षण का प्रयोग करते थे, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लक्षण का। अन्य साइंटिस्ट यही सबसे बड़ी गलती करते थे, सबसे बड़ी उनकी गलती यही थी कि वो एक बार में बहुत सारे लक्षणों का अध्ययन करते थे इसलिए वो बार बार फेल हो जाते थे। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं बार बार वो फेल हो जाते, ठीक है। लेकिन मेंडल एक सबसे बड़ा सही काम कर रहे थे कि मेंडल जो है एक लक्षण का प्रयोग एक बार में ही करते थे, मतलब एक लक्षण है तो उसका प्रयोग एक बार में करते थे। वो नहीं कि बहुत सारे लक्षण को एक साथ वो कंबाइन करके उसका अध्ययन करते थे, ऐसा नहीं। एक लक्षण को देखा उन्होंने, जैसे लंबा और बौनेपन का लक्षण देखा उन्होंने, तो लंबे और बौनेपन के लक्षण को एक बार मतलब एक पौधे पर एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है। और अन्य सारे साइंटिस्ट यही गलती करते थे, वो एक साथ कई लक्षणों पर एक्सपेरिमेंट करते थे। तो ये पांच पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से क्या कि सफल होने का सबसे बड़ा कारण था मटर का पौधा। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या था? दूसरा सबसे बड़ा कारण था एक वर्षीय था और आसानी से इसको उगाया जा सकता था। तीसरा क्या था? मटर के पौधे में विभिन्न प्रकार के लक्षण थे जो आसानी से पता लगाए जा सकते थे और आसानी से उस पर अध्ययन किया जा सकता था। और उसके बाद विभिन्न लक्षण को उसका वैकल्पिक रूप भी था, है ना। जैसे लंबा है तो बौना है, मटर का जो बीज होता है वो गोल होता है तो कुछ झुर्रीदार भी होता है। इसी प्रकार से 7 लक्षण थे, उसके विपर्यासी भी लक्षण थे, यानी 14 लक्षणों पर उन्होंने प्रयोग किया। 7 लक्षण उसके 7 विपर्यासी लक्षण, इस प्रकार से 14 लक्षण हो जाते हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट था कि मटर में स्व परागण भी होता है। स्व परागण तो अपने से हो जाता है, नेचुरली हो जाता है, और उसमें पर परागण करना चाहे तो कृत्रिम पर परागण भी हो जाता है। और पांचवा भी कारण था क्या कि मेंडल का सफल होने का सबसे बड़ा भी एक कारण ये कह सकते हैं कि मेंडल एक बार में केवल एक लक्षण पर ही प्रयोग किए इसलिए वो सफल हो गए। तो ये 5 पॉइंट अपने नोट कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। हम अगली हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगली हेडिंग जो है जिसमें हम ये वैकल्पिक लक्षण और लक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने जिन लक्षणों पर एक्सपेरिमेंट किया वो लक्षण कौन कौन से थे, ठीक है। ये जानना भी बहुत जरूरी है तो हम इसको इरेज कर दे, है ना। चलिए इरेज कर देते हैं और आप लोग नोट कर रहे होंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम अगली हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारी अगली हेडिंग कौन सी है? मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे का लक्षण व उनके वैकल्पिक रूप। यानी अभी हमने बताया कि मेंडल ने मटर के पौधे को चुना इसलिए सफल हो गए, उनके कारण बता दिए क्या क्या सफल होने के कारण थे। अन्य साइंटिस्ट यही काम नहीं कर रहे थे और इसलिए विफल हो रहे थे।
अब मंडल जो मेंडल थे उन्होंने किस किस लक्षण पर एक्सपेरिमेंट किया है यह भी जानना बहुत जरूरी है और यही हमारी अगली रीडिंग है, मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे के लक्षण तथा उनके वैकल्पिक रूप। ठीक है, तो ये आज की क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे इसी के बेस पे बहुत सारी क्लासेस होने वाली है। पहला है तने की ऊंचाई, यानी मेंडल ने तने की ऊंचाई पर ध्यान दिया। ठीक है, तने की ऊंचाई पर ध्यान दिया जिसमें उनको एक पौधा लंबा मिला और दूसरा पौधा उनको बौना मिला, है ना। दो लक्षण हो गए कि नहीं हो गए, एक लंबा और एक बौना। ठीक, उसके बाद दूसरा उन्होंने लिया फूलों का रंग, यानी उन्होंने फूलों के कलर पर भी ध्यान दिया तो उनको दो दो फूल के कलर मटर के पौधे में दिखाई दिए, एक कैसे थे बैगनी और दूसरा कैसा था सफेद, है ना। तो दो जो दो कलर यहां पर भी मतलब दो लक्षण यहां पर भी मिल गए, एक बैगनी मिल गया और एक सफेद मिल गया। तीसरा था फूलों की स्थिति, यानी उन्होंने देखा कि फूल किस किस स्थान पर स्थित है। उन्होंने ध्यान से देखा तो कुछ मटर के पौधे में जो फूल थे वो केवल टर्मिनल पर स्थित थे, टर्मिनल मतलब कहीं किनारे पर स्थित थे, और उसके बाद अच्छी मतलब था ब्रांचेस में स्थित होना। ठीक है, ब्रांचेस मतलब अच्छी मतलब होता है एक्सियल। ठीक है, तो ये कहीं मतलब जहां जहां से ब्रांच निकल रहे थे मटर के पौधे में वहां वहां पर फूल स्थित थे, अच्छी था। और कुछ ऐसे मटर के पौधे थे जिनमें जो फूल था जो फ्लावर था वो केवल केवल टर्मिनल पॉइंट पर, यानी जहां पर मटर का पौधे का पॉइंट एंड हो रहा है वहां पर पाया जा रहा था। तो दो इन्होंने इस पर भी एक्सपेरिमेंट किया। तीसरा उन्होंने फली के आकार पर, फली जानते हैं ना, फली यानी जो उसका फल होता है मटर का जिसमें मटर होता है, तो फली के आकार पर, ठीक है, उसकी संरचना पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, आकार पर एक्सपेरिमेंट किया। तो कुछ फली उनको फूली हुई नजर आ रही थी और कुछ सिकुड़ी हुई नजर आ रही थी। आप लोगों ने अगर मटर का फली देखा होगा, है ना, देखा जरूर होगा सभी लोगों ने, तो ध्यान से देखे होंगे तो कुछ फली जो होती है वो मतलब फूली हुई होती है और कुछ जो थी वो सिकुड़ी होती है। मतलब इसका मतलब समझिए, कुछ फली जो होती है वो बिल्कुल इस तरीके से होती है और कुछ फली जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। बताइए देखा है कि नहीं देखा है, जरूर देखा होगा आप लोगों ने, है ना। हम पूरा सही स्ट्रक्चर बना नहीं पाए लेकिन कुछ ऐसा ही होता है। ठीक, और उन्होंने फली के आकार पर भी ध्यान दिया, उसके बाद उन्होंने फली के रंग पर भी ध्यान दिया। तो फली के रंग पर देखा उन्होंने, कुछ फली थी जो कैसी थी, हरे रंग की थी और कुछ ऐसी थी जो पीले रंग की हो गई थी, है ना। तो एक लक्षण को यह भी मिल गया। उन्होंने बीज के आकार पर ध्यान दिया, तो कुछ बीज आप लोग सभी लोग जानते हैं, कुछ बीज मटर का गोल होता है और कुछ जो है ऐसे सिकुड़ा होता है, तो गोल और झुर्रीदार भी था। और उसके बाद उन्होंने बीज के रंग पर भी ध्यान दिया, तो कुछ जो है बीज पीले रंग के थे और कुछ हरे रंग के भी थे। यानी आप लोग जानते हैं मटर सूखने के बाद भी उनमें कलर में अंतर रहता है। बहुत सारे मटर हाथ में लेकर देखेंगे उसमें मैक्स बहुत सारे पीले होंगे तो कुछ उसमें हरे भी होंगे। इसका कारण क्या है हम एक एक करके समझेंगे, चिंता मत करिए आप लोग, मेरे साथ बने रहिए बस, उसके बाद हम एक एक टॉपिक को एकदम क्लियरिफाई कर देंगे। तो आप लोगों ने देखा बच्चों कि उन्होंने सात लक्षण और उसके सात विपर्यासी लक्षण पर एक्सपेरिमेंट किया। यानी सात तो लक्षण थे, यानी देख लीजिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो सात तो लक्षण है जिसमें लंबा लंबा का एक लंबा के साथ भी एक लक्षण था जिसको बौना उन्होंने कहा। तो एक लक्षण है उसका, एक उसका विपर्यासी लक्षण है, तो दो हो गए, दो इसमें, तो 2 4 6 और उसके बाद 8 10 12 और 14, यानी कि उन्होंने सात लक्षण लेकिन 14 मतलब सात विपर्यासी लक्षण थे और सात उनके सही वाले लक्षण थे। इस प्रकार से उन्होंने 14 लक्षणों पर एक्सपेरिमेंट किया। कितने 14, अगर ऑप्शन में 14 आता है तब तो 14 बताएंगे, और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने के बाद अगर उन्होंने उसमें पूछ लिया कि सात लक्षण हैं और उनके विपर्यासी लक्षण पर एक्सपेरिमेंट किया, मतलब कि कितने लक्षण थे और उनके विपर्यासी लक्षण थे, तो तब के लिए ऑप्शन में देख के बड़े ध्यान से आपको उसको चूज करना पड़ेगा। तो हमने आपको बता दिया कि सात तो लक्षण थे, सात उसका विपर्यासी भी लक्षण था, जिस पर कुल मिला के 14 लक्षणों पर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। समझ में आ गया, है ना, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो इतना ही था यहां पर मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे में जो वैकल्पिक जीन थे, जो लक्षण थे, हमने आपको बता दिया, जिसमें हमने सात लक्षणों के बारे में डिस्कस किया और उसके विपर्यासी भी लक्षण होते हैं। ठीक है, सात लक्षण थे और उसके विपर्यासी भी लक्षण थे जो कि मटर के पौधे में मिला, और ये भी एक सबसे बड़ा कारण था मेंडल के सफल होने का। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी भी नहीं चाहिए, बहुत आसान टॉपिक है और आई होप सो आप लोगों को बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि कृत्रिम संकरण किस प्रकार से होता है, यानी कि मेंडल ने किस प्रकार से कृत्रिम पर परागण कराया होगा। अभी हमने एक ऑप्शन में देखा था पिछली बार, देखा था कि नहीं देखा था, चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहां पर हम एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं, जैसे सपोज करिए
ये मटर का है एक फ्लावर समझ लीजिए, आप थोड़ा सा समझिए ठीक है, फ्लावर इतनी जल्दी नहीं बन जाता है लेकिन हमने कोशिश किया है। यहां पर समझ लीजिए मटर का एक फ्लावर है। अब इस फ्लावर में ये वाला भाग इसका क्या है, ये वाला भाग इसका वर्तिकाग्र वाला भाग है ना, ये वाला वर्तिकाग्र है और यहीं से मेल गए मेट भी यहां पर यानी कि मेल वाला भाग भी उपस्थित है, तो ये द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प है ना। अब बच्चों अगर अगर ये पुष्प स्वपरागण किया तो इसका परागकण निकलकर आ जाएगा इसके वर्तिकाग्र पर, जब इसके वर्तिकाग्र पर आ जाएगा तो ये स्वपरागण हो गया। लेकिन मेंडल ने इसमें पर परागण कैसे किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने इस जैसे अगर सपोज दैट अगर आप लोग मानते हैं इसको तो ये लंबे लंबे पुष्प मतलब लंबे पौधे का पुष्प है ठीक है, लंबे लंबे पौधे का पुष्प है। इसी प्रकार से उन्होंने एक और पौधा लिया, एक और पौधे का पुष्प लिया उन्होंने ठीक है, ये सपोज दैट बौने का है ना, ये बौने का है। अब उनको लंबे पुष्प वाले पौधे के साथ ये बौने वाले पुष्प यानी बौने पौधे का पुष्प, आप एनसाइट ओपन करेंगे तो आपको एक फिगर वहां पर दिखाई देगा जिसमें चिमटी के द्वारा परागकण लाया जा रहा है। तो यहां पर हम वही समझाना चाहते हैं, मेंडल ने लंबे पौधे के पुष्प के साथ बौने पौधे के पुष्प के साथ संकरण कराया, कैसे कराया, इसमें तो दोनों में स्वपरागण हो सकता है लेकिन मेंडल जो है कृत्रिम पर परागण कर रहे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर बौने पौधे का परागकण लंबे वाले पुष्प के पास पहुंच जाता है तो क्या होगा, तो वही क्या होगा, वही उनका एक्सपेरिमेंट था है ना, वही यानी जो हमने अभी सात लक्षण देखे और सात उसके विपर्यासी लक्षण देखे, तो उन्होंने क्या काम किया, जैसे लंबे वाले पौधे का पराग जो लंबे वाले पौधे का पुष्प था, बौने वाले पौधे के पुष्प के परागकण को निकाला, लंबे वाले के पास डाल दिया और जब उसके अंदर जब डाल दिया तो नया जो बीज बना वो किस प्रकार का था, आगे हम पढ़ेंगे चिंता मत करिए। इसी प्रकार से एक और एक्सपेरिमेंट, उसी प्रकार से उन्होंने सातों एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने देखा सातों किए उन्होंने, लंबा पीला हरा पे भी किया और गोल झुर्रीदार पर भी किया है ना, इस प्रकार से उन्होंने सातों एक्सपेरिमेंट किए, सात लक्षण किए और सात उसके विपर्यासी किए ठीक है। तो उन्होंने किस प्रकार से वो करते थे, वो क्या काम करते थे कि पहले तो इसको क्या कर देते थे यानी कि जिसमें परागकण डालना है उसके मेल वाले भाग को चिमटी द्वारा काटकर अलग कर देते थे, इसको बैगिंग की क्रिया कर देते थे, बैगिंग आपको पता है पिछली क्लास में पढ़ा है, बोरा वस्त्र वर्ण है ना। उसके बाद बौने ताकि ऐसा क्यों करते थे, ऐसा इसलिए करते थे ताकि इसका परागकण इसके पास न पहुंच पाए है ना, खोलकर फ्लावर को ऐसा कर देते। उसके बाद वो क्या काम करते थे कि जिस पौधे का जैसे अगर बौने पौधे के पुष्प का लाना है तो इसका केवल परागकण, केवल इसका परागकण चिमटी द्वारा लाते थे यानी चिमटी है ये सपोज दैट, चिमटी द्वारा इसको निकालते थे और लाकर इसके इसके वर्तिकाग्र पर रख देते थे जिसको रीबैगिंग कहा गया, याद है ना पिछली क्लास में पढ़ाए हम आपको। यानी हुआ क्या, पहले जिसमें रखना है उसके उसके नर वाले भाग को अलग कर दिए, अब उसके बाद जिस भी पुष्प का लाना है परागकण उसको चिमटी द्वारा लाएं और उठाकर लाने के बाद कहां रख दिए, जिस पुष्प के यानी कि इस लंबे वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर रख दिए। ऐसा इसमें से इसमें भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजल्ट वही मिलेगा है ना, रिजल्ट वही मिलेगा। तो ऐसा करने पे अब इसका परागण हो जाएगा, जब इसका परागण हो जाएगा तो परागण जाएगा यहां पर जो बीजांड होगा उसको परागण कर देगा और एक नए बीज का निर्माण होगा, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़े हैं कैसे कैसे सारी क्रियाएं होती हैं। तो इतनी पॉइंट समझ गए, ये था कृत्रिम पर परागण जो मेंडल किए अपने सात लक्षण और सात लक्षण के विपर्यासी सात लक्षण पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इस प्रकार से मेंडल ने आनुवंशिकी की एक नई नींव रखी और इसलिए मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आई होप सो बच्चों आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत यहां कंफ्यूजन है तो चिंता बिल्कुल मत करिए, आगे की जो क्लासेस चलेगी उसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये सारी चीजें क्लियरफाई हो जाएंगी, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा एक एक करके। आप लोग चिंता मत करिए, बिल्कुल मत करिए, आप मेरे साथ बने रहिए और आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास में ये पॉइंट अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, वैसे करना नहीं चाहिए, अगर आपने दूसरे चैप्टर का वीडियो मेरा देखा है तो, अगर जो लोग बच्चे नए हैं तो पहले कर देते हैं कि जाकर वो पहले चारों चैप्टर कंप्लीट कर दें उसके बाद इसको कंटिन्यू करें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर उसमें बैगिंग रीबैगिंग का प्रोसेस देखा होगा आप लोगों ने तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को जो हमने अभी बताया आप लोगों को। तो ये था कृत्रिम पर परागण जो मेंडल करते थे और आपके एनसीईआरटी में इसका फिगर भी दिया गया है।
ठीक है। तो आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे और भी हम इसको बड़ा करके बताएंगे, तो चिंता मत करिए, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगली क्लास कंटिन्यू करते हैं और अगली क्लास कोई भी स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्लास पढ़ाने वाले हैं उसको मिस नहीं करेगा। अगले दो क्लास तो बिल्कुल नहीं मिस करेगा वो, है ना। बाकी सारी क्लास मिस मत करे, सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई भी क्लास मिस ना करे, लेकिन कल की जो दो क्लास है आगे की इस पूरे चैप्टर पर बेस्ड होगी। तो कल की दो जो आगे की जो दो क्लासेस आने वाली हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जो स्टूडेंट नए हैं पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं, चार चैप्टर का टेलीग्राम पर जो है चैप्टर अपलोडेड है पीडीएफ के फॉर्म में, वहां से आप चार चैप्टर को पूरा कर सकते हैं। वीडियो यहां प्लेलिस्ट में है, आप जरूर जाकर उसको कंप्लीट कर लीजिए और साथ में लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखिए, एग्जाम तो होना तय है और साथ में कब तक कॉलेज खुलेगा इसको कोई गारंटी नहीं, कोई भी गारंटी नहीं है बच्चों, हम क्लियर कर देते हैं। अगर खुल भी गया फिर से भी बंद हो सकता है, यानी कोविड-19 फिर से अगर आक्रमित हो गया तो आपके कॉलेज अगर खुल भी गए ना फिर से भी बंद हो सकते हैं। तो प्लीज अपने कोर्सेज को कंप्लीट करिए, ऑनलाइन ही इस साल का एक सबसे बड़ा जरिया होगा आपके लिए। साथ में आप वही बार बार करें, अपने दोस्तों को बताइए, लाइक करिए, उनको शेयर करिए, उनसे कहिए कि वो सब्सक्राइब करके अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लें। तो आज की क्लास यहीं तक थी, कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर भी देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।